हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर आवर माइंड। आज की वीडियो में एक और जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में देखने वाले हैं जो कि एसेंचर की तरफ से आ रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कंपनियों के लिंक मिल जाएंगे। आपने उनके लिए अप्लाई नहीं करा, चेकआउट जरूर करिएगा। और इस ड्राइव का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। जॉब एसेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट की है, essentia.com, चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है इस जॉब के रिगार्डिंग। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो जॉब चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। अब बात करते हैं जॉब रोल के बारे में। तो देखिए, नॉन टेक्निकल की जॉब है, कोई कोडिंग वगैरह की जॉब नहीं है, आपको नॉन टेक्निकल जॉब चाहिए एसेंचर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपकी जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में, यहाँ लिखा हुआ कस्टमर सर्विस की जॉब है, नॉन टेक्निकल जॉब है, आपको कस्टमर सर्विस की जॉब चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब लगती है तो बेंगलुरु में आपकी जॉब लगने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, आप कुछ भी कराओ, बी कराओ, बी टेक कराओ, एम ई, एम टेक, एम बी, एम सी, बी एस सी, एक्स वाई जेड, कुछ भी कराओ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पास ही एक्सपीरियंस मांगा, मतलब आप 2020 बैच के हैं, 2019 बैच के हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 19 और 20 दोनों बैच इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया हुआ। आपको और भी कुछ जानना है अपनी जॉब के बारे में तो नीचे आइए, थोड़ा सा लिखा हुआ जॉब समरी के बारे में, आपको हेल्प करना पड़ेगा कस्टमर का। अगर उनको कोई क्वेरी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी जॉब लिखा हुआ समरी के बारे में, चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं, जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फॉर्म फिलअप के बाद। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे कि आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई डू यू गेट दिस टाइप ऑफ जॉब, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक्टिव वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है। अगर आपको लगता है कि अभी आप इन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आपको करना क्या है, सिंपली एक फेक ईमेल आईडी लेनी है, उससे आपको रजिस्टर करना है, किसी भी नाम से रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन मालूम पड़ जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। क्वेश्चन सेम होने वाले हैं सभी के लिए, आपको बस क्वेश्चन पहले मालूम पड़ जाएंगे, आप उनके प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के बाद अपनी रियल ईमेल आईडी से रजिस्टर करिएगा, अप्लाई करिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अप्लाई ना वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप अप्लाई ना वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइप का पेज आने वाला है। यहाँ आपको सबसे पहले अपना रिज्यूमे फिलअप करना पड़ेगा, तो अपना रिज्यूमे अपलोड करिएगा, अपलोड पर क्लिक करके तो आपको रिज्यूमे अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद कुछ टाइप का पेज आने वाला है, यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और प्रीवियस एसेंजर में आपने काम कराया है नहीं तो आप सिंपली नो सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड डालना है अपना एरिया का, एड्रेस डालना है, फोन नंबर आपको डालना है, उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एडवांस डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगे, तो अपना मैरिट स्टेटस फिलअप करिएगा, फादर्स नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, और नोटिस पीरियड आपके पास, रेलिवेंट कंट्री, एनुअल सैलरी, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, इसे फिलअप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है, ठीक है ना। नीचे आएगा थोड़ा, और आपको हायर एजुकेशन फिलअप करनी है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये सब फिलअप करने के बाद स्पेशलाइजेशन, पेन फिलअप करिएगा आपके पास है तो, या फिर नॉट एप्लीकेबल फिलअप कर दिएगा, ठीक है ना। कॉलेज का नेम आपको यहाँ फिलअप करना है, कॉलेज का अगर नहीं आता आपको सिंपली अदर्स पे क्लिक कर देना है, और आपने इसके बारे में कहाँ से वो चेकआउट करेगा, इसके बाद अप्लाई फॉर चेकबॉक्स सेलेक्ट करेगा, आप अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, डिटेल फिलअप करने के बाद कुछ टाइप का पेज आने वाला, मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, तो आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कुछ टाइप का मेल भी आने वाला है एसएनसी की तरफ से, आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे आएगा थोड़ा, यहाँ आपको ज्वाइन इंटरव्यू नाउ पे ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास उस टाइप का पेज खुल जाएगा, जहाँ आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उनका आंसर देना पड़ेगा। आपको सारी परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, यूज़ माई माइक्रोफोन, यूज़ माई कैमरा, अलाउ अलाउ पे क्लिक करिएगा, एक्सेप्ट कुकी करिएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनको आंसर करना पड़ेगा। मैं आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरव्यू नहीं देना, आपको इंटरव्यू देना है, आगे प्रोसेस करिएगा। मैंने आपको बताया कि पहले आपको फेक आईडी से करना है, उसके बाद आपको रियल आईडी से करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर, आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते, तो पहले आपको फेक आईडी से करना है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मालूम पड़ जाए, आप इजीली इंटरव्यू दे सकें, इजीली अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकें। आई होप कि मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आंसर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।